बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर 15th लेक्चर ऑन ऑप्टिमाइजेशन। द कोर्स कोड इज़ MTH374 एंड इट्स फॉर मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअल कैंपस। ओके, सो इट्स आर लेक्चर 15 एंड एज यूजुअल अ ब्रीफ रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी और फिर हमने सर्च मेथड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। वन डायमेंशनल अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हम पहले भी कर चुके हैं, हमें पता है कैसी होती है। फंक्शन होता है उसमें, हमने उसका हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, मतलब कोई कंडीशन भी नहीं, उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, तो उसको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा वन डायमेंशनल फंक्शंस का हम फाइंड कर चुके हैं ना, वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होकर हमारे पास उसका मैक्सिमम मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अब फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था काफ़ी डिटेल में कि अब अगर हमें वो मेथड पता है तो इस नए मेथड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। बहुत ब्रीफली मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास जो आपकी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग सर्च मेथड, सॉरी एग्जिस्टिंग मेथड है आपकी अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन फाइंड करने का वन वेरिएबल फंक्शन के, वो क्या करता है, उसके लिए आपको फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। फंक्शन कंटिन्यूस होगा फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा फिर आपने डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे फिर मे बी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाएंगे, वहाँ पे फिर आपको क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो काफ़ी स्ट्रांग कंडीशंस हैं, कंटिन्यूटी डिफ्रेंशबिलिटी फंक्शन की बहुत स्ट्रांग कंडीशंस हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी आपके पास के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर होते हैं उनके फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, हम उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड ही नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है, हम स्टिल उनको उन प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं जिनके जो फंक्शंस हैं वो आपके पास कंटिन्यूस नहीं है या उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फोर्स करती हैं कि हम कुछ नए मेथड्स डेवलप करें जो नॉन कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए भी होल्ड करते हों, जो नॉन डिफरेंशियबल फंक्शंस के लिए भी होल्ड करते हों, जिनके लिए डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम माइंड में रखते हुए नए मेथड्स डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे हम अपने फंक्शंस को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, बगैर कंटिन्यूटी चेक किए, बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड कर किए, ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वन एम है। दूसरा एम ये है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हमें फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन ही नहीं होता। एक्सप्लिसिटली नोन मतलब ये क्या है कि आपका फंक्शन ऐसा होता है आप जिसमें लेट से आप एक कर्व रफ सी फाइंड कर सकते हैं लेकिन आप ये नहीं बता सकते इस फंक्शन की इक्वेशन क्या है, फिर आप उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर इवन हमें कर्व भी नहीं पता होती, हमें चंद पॉइंट्स पता होते हैं जिससे हमें फंक्शन बाकी जो है वो हम खुद बनाना होता है। तो अब ऐसे केसेस में फंक्शन का हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। फिर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह कि अब कभी कभी हम फंक्शंस को जस्ट सिमुलेट कर रहे होते हैं, हमें एग्जैक्ट जो है फंक्शन उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, हम जस्ट सिमुलेट कर रहे हैं। हमने रॉकेट लॉन्च ही नहीं किया तो हम उसका जस्ट एक पाथ फाइंड कर रहे हैं खुद से। अब हर दफ़ा हम रॉकेट लॉन्च करके तो नहीं फाइंड करते ना कि हम यहाँ से हम लेके जाएंगे तो इसकी रेंज कितनी है, कहाँ तक ये जाएगा, किस पॉइंट के ऊपर किस तरह की हर्डल्स इसको आएंगी, ऐसा थोड़ी करते हैं हम। इस तरह तो फिर इतना सस्ती चीज़ तो नहीं है कि हम बार बार उसको लॉन्च करके देखते रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमें फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन नहीं होता, फिर उस केस में हम क्या करेंगे। इससे भी और इसको थोड़ा डिटेल में ले जाएं, आपके पास फंक्शन है उसका कंटिन्यूस भी है, उसके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आपको। अब आपने ये देखने के उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं या स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं। अब आप दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो के इक्वल करें, जीरो के इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, आपने जीरो के इक्वल उनको कर दिया, लेकिन अब आप एक्स और वाई की या वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं जिनके लिए पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हैं। अब वो वैल्यूज आप फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो एक्सप्लिसिटली उन इक्वेशंस को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो अब एनालिटिकली एक्सप्लिसिटली उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब फिर आप क्या करें, फिर भी मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप हम लोग वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते उन पॉइंट्स की जिसके ऊपर डेरिवेटिव जीरो है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे मेथड्स की लिमिटेशंस हैं कि हमें इनकी वैल्यूज अब पता नहीं चल रही, ठीक है। तो अब उसके लिए भी हमें कुछ नए मेथड्स की जरूरत होती है। ये बहुत सारी मोटिवेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, इन सब के को आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने ये जो नए मेथड्स हैं ये मैं क्यों लिख रहा हूँ और इनको लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखें तो आपको ये पता चलेगा कि हमने नए मेथड्स क्यों बनाने, ठीक है। फिर हम नए मेथड्स बना रहे हैं, सर्च मेथड्स हैं, उसमें जीरोथ ऑर्डर की बात की थी हमने, फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी, सेकंड ऑर्डर की बात की थी। जीरोथ ऑर्डर वो हैं जिनमें सिर्फ हम एफ को यूज करते हैं, एफ की वैल्यूज को यूज करते हुए, फंक्शन एफ को यूज करते हुए हम उसका ऑप्टिमाइजेशन फाइंड करते हैं, उसका मैक्सिमा फाइंड करते हैं, उसका मिनिमा फाइंड करते हैं, लेकिन यूज सिर्फ एफ को करना है, एफ से ज्यादा उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करना। तो इससे आपको डायरेक्ट एडवांटेज इसका पता चल रहा होगा कि अब हम सिर्फ एफ की वैल्यू ही ले रहे हैं ना, तो इसलिए अब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। लेकिन हमें मैक्सिमा मिनिमा उसका मिल जाएगा। अब ये जो हम सर्च मेथड, ये जो नए मेथड्स डेवलप करें, इनसे हम एग्जैक्ट मैक्सिमा या एग्जैक्ट मिनिमा नहीं फाइंड करें, हम उसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो आपकी ओरिजिनल मैक्सिमा या मिनिमा से बहुत क्लोज हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हमारे पास कोई ऐसा टूल हम यूज नहीं करें जिससे हमें ये पता चले ये ही एग्जैक्टली मैक्सिमा, यही एग्जैक्टली मिनिमा। हम तो जस्ट उन वैल्यूज जो फंक्शन की हैं उनमें से सर्च कर रहे हैं कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम। अब फंक्शन रियल वैल्यूड होते हैं यूजली, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसमें पॉइंट्स इतने क्लोजली निट होते हैं कि अब अगर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो बहुत क्लोज वैल्यूज के ऊपर जाके आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, और हो सकता है वो इतनी क्लोजली आप उस फंक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट ना कर सके। हम तो सर्च पॉइंट्स हम कह रहे हैं ना, तो सर्च पॉइंट्स तो हम तो लिमिटेड ही लेंगे ना, हम बहुत ज्यादा सर्च पॉइंट्स तो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अब हमारे हमारी लिमिटेशंस हैं, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हमने लिमिटेड टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे हमारे ऊपर लिमिटेशंस होंगी कि हम बहुत ज़्यादा सर्च मेथड्स नहीं ले, सर्च पॉइंट्स नहीं ले सकते जिनके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यूज चेक करें। तो आपने लिमिटेड सर्च पॉइंट्स लेने हैं, उसी के अंदर रह के ऑप्टिमाइज करना है, कि बेसिकली एम ये होना चाहिए कि कम अज कम सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़े और जो मैक्सिमा या मिनिमा उसके मैं बहुत क्लोज पहुंच जाऊं। तो ये मेरा एम होना चाहिए, ये मेरा एम है। तो इसी का मे बी मैं जो पहला मेथड आपको दूं उसमें बहुत सारे सर्च पॉइंट्स हैं, उससे अगला मेथड दूं तो वो उसको बेहतर कर रहा है सर्च पॉइंट्स को। तो इसी तरह आप आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था उसका आपको पता है कि क्या था वो, और आज के लेक्चर में भी हम उसको ऐसे ब्रीफ रिकैप देंगे और फिर आगे चलेंगे। हमने सर्च मेथड्स की बात करनी है और उसमें जो इम्पोर्टेंट वन जिसकी हम आज बात करेंगे वह है डाइकॉटमस सर्च, ठीक है। और अगर इससे आगे भी हम चल सके तो मे बी, लेकिन अगर डाइकॉटमस सर्च की भी एक एग्जांपल हम कंप्लीट करना शुरू हो जाएं तो काफ़ी टाइम हमें लग जाएगा, ठीक। ओके, सो पहली थी ब्रूट फोर्स अप्रोच। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये क्या थी, बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या है, आपका फंक्शन है एफ, उसको आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। कैसे करना है, आप उस फंक्शन को ले लें, उस फंक्शन की आपको फंक्शन पता होगा और उस इंटरवल का पता होना चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है उसके अंदर सैंडविच होना चाहिए, उसी के अंदर लाई करना चाहिए। अगर ये आपको पता है फिर आप क्या करें, उस इंटरवल के अंदर कुछ सर्च पॉइंट्स लें। सर्च पॉइंट्स कैसे लें, आप उस इंटरवल को एन पॉइंट एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कैसे करेंगे, उसके अंदर नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। अब उन n इक्वल पार्ट्स में जब आपने डिवाइड कर दिया, अब आपको पता चल जाएगा वो स्मॉल इंटरवल की लेंथ क्या होगी। n इक्वल पार्ट्स में आपने फंक्शन को डिवाइड करना है और वो जो पॉइंट्स हैं जो उस इंटरवल को डिवाइड कर रहे हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज चेक कर लें, उसके अंदर जो आपको मिनिमम वैल्यू हो आप उसको मिनिमा ले लें, ठीक है। ये एक वे है, इसको भी इसी सर्च मेथड को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। अब वो जो मिनिमम वैल्यू जिन दो पॉइंट्स के अंदर सबसे कम वैल्यू आ रही है उसका आप नया इंटरवल बना लें, उस इंटरवल को आप फिर मजीद स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उन स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके उन पॉइंट्स के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें।
जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे भी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो आपका मैक्सिमम। तो ये आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। बेसिकली आप बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं इंटरवल के अंदर और बस चेक कर रहे हैं बारी बारी हिट एंड ट्रायल से, ये हो सकता है मिनिमम हो सकता है ये मिनिमम हो सकता है ये मिनिमम हो, तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल है बेसिकली। तो जो भी मिनिमम मिल जाता है वहाँ पर आप कहते हैं ये मिनिमम है, ठीक है। और इतना ये एक्यूरेट भी नहीं होता, इतना एफिशिएंट भी नहीं है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे इसको कर रहे हैं, इसको सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको मे बी 15-20 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़े, उसके बाद आपको बहुत कुछ क्लोज आप पहुँचे अपने मिनिमम के, ठीक है। और फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए 15-20 वैल्यूज और कैलकुलेट करनी पड़े, तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है, लेकिन ये सिंपल है सबसे ना, एग्जॉस्टिव सर्च है, पूरे इंटरवल को ऐसे सर्च कर रहे हैं स्टार्ट से फिनिश तक, ठीक है। तो ये आपके पास ढूंढना है, पड़ा हुआ है उसी के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए ज़ाहिर, उसके अंदर पड़ा हुआ है तो उसको ढूंढ रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं। तो जैसे हम यूजली चीज़ों को फाइंड करते हैं, तो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो दरमियान में से देखते हैं कि सबसे कम वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो ये हम हमारे पास सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। ओके, तो अब ये हमारे पास जो अप्रोच है इतनी एफिशिएंट नहीं आपके सामने नज़र आ रहा आपको, अब इसको हमने इम्प्रूव करना है, करना इसी तरह की चीज़ें हमने, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ताकि हमारे पास बेहतर हो जाए चीज़ें, थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए, इतने ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, बल्कि थोड़े से कम पॉइंट्स के ऊपर ही कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास मज़ीद हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स और जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अब ज़ीरोथ ऑर्डर जो मेथड्स हैं सिंगल वेरिएबल के केस में, उनकी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है, आपने वो इंटरवल फाइंड करना है जो मिनिमम को कंटेन करता है, ब्रैकेट करना है, और इस इंटरवल को सैंडविच करना है उस मिनिमम को ना, उसके अराउंड एक आपने बाउंड्री बनानी है जो जिसके अंदर वो मिनिमम हो। एक बाउंड्री आपको पहले से पता है जिसके अंदर मिनिमम है, उसको सैंडविच करें, उसको स्क्वीज करें, उसको ब्रैकेट करें, मिनिमम को ब्रैकेट करें। आपने पहले ही ब्रैकेट किया हुआ मिनिमम को, लेकिन उस इंटरवल को स्क्वीज करें, उसका साइज छोटा करें आप, ताकि वो मिनिमम के बहुत क्लोज हो, बस उसको सैंडविच कर दिया मिनिमम को, उसके उस जो मिनिमम का और इंटरवल की लेंथ का डिस्टेंस है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक। तो ये बेसिकली आप पहले करें, ब्रैकेटिंग करें, इंटरवल कंटेन जो इंटरवल है फाइंड करना है आपने जिसके अंदर आपका मिनिमम कंटेन है, ठीक। दूसरा ये है, आपने इंटरवल का साइज रिड्यूस करना, इसको हम कहते हैं सेक्शनिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। पहले आप ब्रैकेटिंग कर रहे हैं, मिनिमम है कहाँ, फिर उसको साइज को रिड्यूस करें, इंटरवल को जितना मिनिमम पॉसिबल होता जाए उतना मिनिमम आप करें। ये जो मिनिमम करने का प्रोसेस, इसको हम कहते हैं ये सेक्शनिंग है, सेक्शनिंग कर रहे हैं आप, ठीक। और इसके बाद आप फिर क्या कहते हैं, सेक्शनिंग मेथड से ब्रैकेटिंग आपने करनी है, मिनिमम की ब्रैकेट करें कहाँ पर है उसको, वहाँ पर शो मेक श्योर करें यहाँ पर मिनिमम है, वहाँ पर मिनिमम है, फिर उसके बाद अगर ब्रैकेटिंग होगी फिर उस इंटरवल को हम शॉर्ट करना, स्मॉल करना स्टार्ट करते हैं, उसके सेक्शन बनाते हैं इंटरवल के, हर सेक्शन जो है वो पहले पिछले जो इंटरवल है उससे स्मॉल होगा। ओके, सो फिर सेक्शनिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तीन मेथड्स हम बेसिकली इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। एक हम कहते हैं डाइकॉटमस सर्च है, एक फिबोनाची मेथड है, और फिर गोल्डन सेक्शन मेथड है। तो ये तीनों आपके पास सेक्शनिंग के मेथड्स हैं जिससे हम अपने इंटरवल के साइज़ को स्मॉल करते हैं, उसके अंदर फिर भी कंटेंट होना चाहिए आपका मिनिमम, लेकिन इंटरवल के साइज़ को हम मिनिमम स्मॉल करते जाते हैं जिसके अंदर आपके आपका मिनिमम कंटेंट है। पहले एक इंटरवल होगा बहुत बड़ा, उसके बाद आप उसको स्मॉल करके एक इवन स्मॉलर इंटरवल में ले जाएंगे, और कम करते करते आप बहुत छोटा इंटरवल ऐसा बना देंगे कि आपको आपको लगेगा कि इसी इंटरवल के अंदर बहुत बहुत क्लोजली इसी इंटरवल के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप फाइंड करना है उसके अंदर पड़ा हो, ठीक है। ओके, सो इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब ब्रैकेटिंग द मिनिमम का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये आपका फंक्शन है एफ, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन है, इसका आपने मिनिमम को ब्रैकेट करना है, तो मिनिमम इसका आप देख लें कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, उसको आप क्लोजली होपफुली आप देख सकते हैं, ये वाला फंक्शन है।
ठीक है, इससे थोड़ा बेहतर ये वाला फंक्शन है अगर इसको आप देखें तो। इसका मिनिमम जो है इस रीजन में, इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक और मिनिमम भी है लेकिन हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, ये मिनिमम है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसको ब्रैकेट करना है ना, इसको ब्रैकेट करना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में मिनिमम है। ठीक है, ये आपने सबसे पहली ब्रैकेट आपकी है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपका मिनिमम लाई करता। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि अब ये तो बहुत बहुत बड़ी ब्रैकेट है ना, जिसके अंदर आपने एटलीस्ट आपने मिनिमम को इस ब्रैकेट के अंदर ले आए, इस क्लोज इंटरवल के अंदर ले आए, जिसके अंदर आपका मिनिमम लाई करता है। ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि इस ब्रैकेट्स को स्मॉल करें, इनको ना, इनको स्मॉल करें। मे बी मैं इन्हीं ब्रैकेट्स को उठा के यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में भी मिनिमम लाई कर रहा है, फिर मैं इनको कम करके यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम लाई करता है, यहाँ पे भी मिनिमम लाई करता है, इससे भी कम कर लें, यहाँ पे भी मिनिमम लाई करता है, तो इन सब ब्रैकेट्स के दरमियान में मिनिमम लाई करता है। ठीक है, तो इसको आपने स्टार्ट करना है किसी पॉइंट के ऊपर, फिर आपने उसको क्लोज लेके जाना है मिनिमम के, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आप क्लोज पहुंचेंगे मिनिमम के, जहां पे आपने पहुंचना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने मिनिमम को ब्रैकेट कर लिया, क्योंकि अगर आप इस सारे के अंदर बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगी, क्योंकि एक मिनिमम ये भी पड़ा हुआ फंक्शन का, एक मिनिमम फंक्शन का ये भी पड़ा हुआ, तो आपने एक इंटरवल में, हमारी ये कोशिश होती है कि एक ही मिनिमम लाई करें, हम उसको ब्रैकेट कर लें इस तरह कि वो उस पूरे इंटरवल के अंदर कोई और मिनिमम ना हो, सिर्फ वही इंटरवल हमारे पास मिनिमम हो। तो जो ही हमारे पास सैंडविच हो जाता है मिनिमम, उसके बाद फिर हमारे पास सेक्शनिंग स्टार्ट होती है, तो सेक्शनिंग में इंटरवल को हम साइज स्मॉल करते जाते हैं, लेकिन अगर हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना होता है कि उस इंटरवल के अंदर मिनिमम लाई कर रहा है, अगर मिनिमम लाई नहीं कर रहा तो फिर उसके बाद फिर वो सेक्शनिंग मेथड जो है वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। बहुत सारा काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पूरे इंटरवल में तो मिनिमम था ही नहीं, हम क्या फाइंड करते रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आपने पहले से उसको सैंडविच करना है, उसको देखना है कि वो उस इंटरवल के अंदर लाई करे आपका मिनिमम। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये काम नहीं करना तो ये ना करें, इससे बेहतर हमारे पास स्ट्रेटेजी ये है जो हम हमेशा बेसिकली अज्यूम करते हैं, हम फंक्शन को यूनिमॉडल लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेटिंग और सेक्शनिंग मेथड में हम यूनिमॉडल लेते हैं फंक्शन को। यूनिमॉडल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन का एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है, बस ये इसकी डेफिनेशन है कि उस फंक्शन के उस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन का सिर्फ एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, दोनों भी नहीं हो सकते, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों भी नहीं हो सकते, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा और पूरे इंटरवल में एग्जैक्टली एक ही होगा, यूनिमॉडल फंक्शन है, उस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन का एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दोनों में से एक, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं यूनिमॉडल फंक्शन। तो यूनिमॉडल फंक्शन में हमें पता होता है कि इस इंटरवल के दौरान दरमियान में फंक्शन जो है वो उसका एक मैक्सिमम या एक मिनिमम है, हमने उसको लोकेट करना है, उसको सर्च करना है, उसको फाइंड करना है, हमें पता है इसके अंदर मौजूद है लेकिन हमने उसको लोकेट करके सर्च करके बताना है कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यूनिमॉडलिटी होती है। ओके, सो यूनिमॉडल फंक्शन की कुछ एग्जांपल, ये एक कर्व मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इसको आप देख लें, एक ही मिनिमम होगा इसका, जो भी पॉइंट होगा यहाँ लेट से होगा। एक और एग्जांपल, ये इसका यूनिमॉडल है, इसी तरह यहाँ पे इसका मिनिमम यहाँ लाई कर रहा है, ये यूनिमॉडल है, ये यूनिमॉडल नहीं है, यहाँ पे इसका एक मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो इस पूरे ये पूरा जो फंक्शन है ये यूनिमॉडल नहीं है। ठीक है, फिर ये वाला फंक्शन भी, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, यूनिमॉडल नहीं है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं यूनिमॉडल फंक्शंस की। ठीक है, ये एग्जांपल यूनिमॉडल की, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन ये वाला फंक्शन यूनिमॉडल नहीं है ना, इसको हम यूनिमॉडल बना सकते हैं, कैसे, अगर मैं इस फंक्शन को सिर्फ इस इंटरवल, ये वाला पोर्शन ले लूँ इस फंक्शन का, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन यूनिमॉडल है, इसी तरह इस इंटरवल में भी ये फंक्शन यूनिमॉडल है ना,
इसी तरह इस इंटरवल में भी ये फंक्शन यूनिमॉडल है, इस यहाँ पे ले लें ये इंटरवल ले लें ये यूनिमॉडल है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो इस इंटरवल में भी यूनिमॉडल है फंक्शन। अगर फंक्शन यूनिमॉडल नहीं होता तो हम उसके इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उससे हमारे पास यूनिमॉडल हो जाता है, तो एक ही उसका मैक्सिमम या मिनिमम उस इंटरवल के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है यूनिमॉडल फंक्शन की। ये डेफिनेशन भी करेक्ट है लेकिन ज़्यादा ईजी जो अंडरस्टैंड है ईजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ये है कि उस पूरे इंटरवल के अंदर उस इस फंक्शन का एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम हो तो हम उसको कहते हैं ये फंक्शन यूनिमॉडल। ठीक है, ओके राइट। सो अब हम डाइकॉटमस सर्च पे जाते हैं। एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, जनरल थ्योरी भी आपके सामने आ जाएगी कि इसकी जनरल थ्योरी क्या है। आपने एक फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स। ठीक है, ग्राफ मैंने ये बना दिया आपके लिए और मेरे पास इंटरवल है जीरो से पाए, पाए मैंने रेडियंस में लिया हुआ, तो जीरो से पाए तक मेरे पास इंटरवल है 3.1415 आपको पता है, तो ये रेडियंस में लिया हुआ पाए। ठीक है, और मैंने 14 पॉइंट सर्च मैं लगा रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने इस इंटरवल के अंदर मैंने 14 पॉइंट्स लेने हैं, 14 पॉइंट्स के ऊपर सर्च करनी है और जो मेरे पास एप्सिलॉन है वो 0.001 रेडियंस है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन क्या है ये अभी आपको पता चल जाता है, और आपके पास जो 14 पॉइंट्स हैं इनका क्या मतलब है इस पूरे एरिया में जो सर्चिंग पॉइंट्स हैं ना जिनके ऊपर मैंने वैल्यूज फाइंड करनी, जिनमें से मैंने मिनिमम ढूंढना है वो 14 पॉइंट्स हैं। टोटल 14 पॉइंट्स मैंने लेने हैं, 14 पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अभी हमें क्लियर हो जाएगा। 14 पॉइंट्स हमने टोटल लेने हैं और इन 14 पॉइंट्स के अंदर से मिनिमम या मैक्सिमम ढूंढना है। ठीक है, और एप्सिलॉन मैं ये ले रहा हूँ 0.001 रेडियंस और इंटरवल है जीरो से पाई के दरमियान में ये सब कुछ करना। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम आपको पता है, ये थोड़ा सा आप आइडिया लगाएं ना, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ जीरो और वन के दरमियान है इसका बेसिकली मैक्सिमम। लेकिन हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का ग्राफ हमेशा अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन हम ये अज्यूम नहीं करेंगे जीरो से वन के दरमियान, हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है कि जीरो से पाए के दरमियान इसका मैक्सिमम है और जीरो से पाए में ही फाइंड करना हमने। ठीक है, ओके अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अब डाइकॉटमस सर्च बेसिकली ये डाइकॉटमस सर्च आपने इंटरवल को डिवाइड करना है हर पॉइंट के अंदर टू पार्ट्स में। डाइकॉटमस सर्च ये कहती है आप हर स्टेप के ऊपर अपने इंटरवल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर मैक्सिमम लाई करेगा, एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें मैक्सिमम लाई नहीं करेगा। तो हर स्टेज के ऊपर आप एक इंटरवल को जो है वो बेसिकली थ्रो अवे कर देंगे, उस आपका जो आधा इंटरवल रह जाएगा हर बेसिकली स्टेज के ऊपर, तो हर स्टेज के ऊपर आपका तकरीबन आधा इंटरवल बाकी बचेगा। तो आपने जितने भी स्टेप्स करने हैं हर स्टेप के ऊपर आपके पास दो सर्च पॉइंट्स होंगे और वो दो सर्च पॉइंट लेके आपने अपने इंटरवल को बेसिकली रफली हाफ में डिवाइड कर देना। हाफ इंटरवल ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम होगा, हाफ इंटरवल ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम नहीं होगा। तो जिसमें मैक्सिमम होगा वो आप रख लेंगे और जिसमें मैक्सिमम नहीं होगा उसको आप थ्रो अवे कर दें। तो जिसमें मैक्सिमम होगा उसको आप फर्दर फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसमें से भी हाफ आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मैक्सिमम लाई करेगा, हाफ ऐसा मिलेगा जिसमें मैक्सिमम लाई नहीं करेगा, रफली हाफ होता है। तो उस हाफ में जिसमें मैक्सिमम लाई करेगा वहां पे भी आप उसको चूज कर लेंगे, दूसरे को आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटरवल को जीरो से पाए तक मेरा इंटरवल है, इसको मैं हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, दो सर्च पॉइंट्स ले रहा हूँ। जीरो से पाए में इनको मैं हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, बेसिकली मैं पाए को हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं मिडल में पहुँच गया हूँ तकरीबन। ठीक है, इंटरवल के मिडल में पहुँच गया, ये जीरो है ये पाए है ये इंटरवल के। अब मैंने दो पॉइंट्स लेने हैं ना, दो पॉइंट्स लेने हैं, दो सर्च पॉइंट्स लूँगा हर स्टेज के ऊपर। तो अब मैंने ये करना है कि इस ये जो मिडल पॉइंट है ना, इसके थोड़ा सा इधर का एक पॉइंट लूंगा और थोड़ा सा इधर का एक पॉइंट लूंगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स लेने हैं मैंने इस इंटरवल के मिडल में, बेसिकली रफली मिडल में दो मैंने सर्च पॉइंट्स लेने। तो अब मिडल में मैं चला गया हूँ हाफ पाए से ना,
तो 0 प्लस पाई में करूंगा तो मेरे पास मिडल का इसका पॉइंट आ जाएगा, इंटरवल कोई भी इंटरवल होगा तो उसका मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है 0 प्लस पाई ओवर 2 कर दें या ए प्लस बी ओवर टू, ए और बी इंटरवल है अगर तो। अब फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें से एप्सिलॉन को मैं माइनस कर देता हूँ। अब देखें एप्सिलॉन मैंने बहुत छोटा लिया हुआ ना, एप्सिलॉन मेरा था 0.001, तो ये इसमें से मैं माइनस करूंगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं माइनस करूंगा तो इंटरवल के इस साइड पे एक पॉइंट मिल जाएगा, अगर मैं प्लस करूंगा तो इंटरवल के एक साइड पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो दो मेरे पास पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इंटरवल के मिडल के करीब हैं, ठीक है। तो ये मैंने हर स्टेज के ऊपर दो सर्च पॉइंट्स चूज करने हैं। तो डाइकोटमस सर्च में हम सर्च पॉइंट्स ऐसे चूज करते हैं, क्या करते हैं हम फंक्शन जो भी इंटरवल होगा उसके मिडल में, उसके मिडल में आप दो पॉइंट्स लेंगे। तो मिडल में कैसे दो पॉइंट्स लेंगे, मिडल तो एक ही पॉइंट होता है ना, तो उसमें से एक एप्सिलॉन जो हमने पहले से फिक्स किया होगा, जो आपका स्टेप साइज है बेसिकली, तो आपने वो इंटरवल वो जो एप्सिलॉन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो आपके पास मिडल जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट है उसके अराउंड आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों आपके सर्च पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों सर्च पॉइंट्स में से आपने देखना है इनमें मिनिमा है मैक्सिमा, इस केस में फाइंड करें इसमें मैक्सिमा है इस सर्च पॉइंट्स में। तो अब आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट पहला मैं कैलकुलेट करूंगा ना, ये आ जाएगा 1.570745। अब ये बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अभी कैलकुलेट करें साथ साथ मेरे, तब आपको एग्जांपल समझ आएगी कि ये वाकई ऐसा हो रहा है। तो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेटर पास रखें, आपको भी इससे हेल्प होगी, समझ आएगी, खुद करेंगे साथ साथ तो समझ आएगी चीज़ों की। तो मैंने पाई की वैल्यू ली हुई है, जो यूजुअल पाई की वैल्यू होती है 6 डिजिट्स तक मैं ले लेता हूँ, 3.141593 मैं ले लेता हूँ लग से, ठीक है। तो आप अपने इंटरवल से अपने कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन मैं इस केस में ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ तो 3.141593 प्लस मैंने करना है लेट्स से 0.0001, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 3.141693, और इसको मैं अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो 1.57 0805 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी, आपने होपफुली कैलकुलेट की होगी। इसी तरह अगर मैं पाई की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास पाई की वैल्यू है 3.141593 मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 3.141593 ले रहा हूँ। फिर उसमें से माइनस मैं एप्सिलॉन कर देता हूँ, माइनस 0.0001 ये हो गया, डिवाइड करें इसको 2 पे तो आपके पास एक पॉइंट और आ जाएगा 1.570745। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इस इन दोनों से आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक आध डिजिट का फर्क भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप वो वाले एलिमेंट डिजिट्स ले लें, वो वाली वैल्यूज ले लें, तो कोई इतना मसला नहीं है, थोड़ा बहुत वैल्यूज में फर्क पड़ेगा और इन द एंड आपके पास हम दोनों एक ही मैक्सिमम पहुंचेंगे। अब आप ये सर्च करना चाह रहे हैं ना कि इसमें मैक्सिमम कहाँ पे है, इसमें मैक्सिमम यहाँ इसको देख लें, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये दो सर्च पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से आपने फाइंड करना है। तो इसके ऊपर आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आपको पता है y x x टाइम्स cos x था ना, x cos x ये y की वैल्यू थी, तो y x cos x है, इसमें ये x रखें। तो यहाँ पे आप बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ आप ये करें, पहला पॉइंट है 1.570745 इंटू cos ऑफ 1.570745 ये आपने कैलकुलेट करना है। कि आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्लेम ये है कि आपके पास वैल्यू आएगी ये वाली 0.004 जीरोज आएंगी इसके और 85 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लें अगर आप चाहें तो 1.570745 ये आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो cos of 1.570745, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 5.13 into 10 raised to power minus 5 बेसिकली आ जाएगा,
और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.570745, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.00085। बेसिकली मेरे पास यही वैल्यू आ रही है। और इसी तरह इसको कैलकुलेट करने में मैंने ये कैलकुलेट की हुई है पहले से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ मिलके कर लें, तो इसको इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ। आप अगर खुद करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं वैल्यू फाइंड करूँगा। करना क्या है? करना वही सिंपल बात है कि y इज इक्वल टू x cos x है, तो y आ जाएगा 1.570845 इंटू cos ऑफ 1.570845। ठीक है, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -0.00075। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो जो मैक्सिमम है वो 1.57, ये जो पॉइंट है इसके क्लोज होगा ना, इसके तो क्लोज इतना मैक्सिमम नहीं होगा ना, तो मैंने ये बनाया आपके लिए, ये 1.570745 ये मैंने यहाँ रखी हुई है वैल्यू, तो इसके दरमियान में मैक्सिमम लाई कर रहा है, इस साइड पे मैक्सिमम नहीं लाई कर रहा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना इसकी y ऑफ x1 ये बिगर है y ऑफ x2 से, तो अगर y ऑफ x1 y ऑफ x2 से बिगर है, इसका मतलब है जो आपका मैक्सिमम लाई करेगा वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, वो इंटरवल होगा 0 से लेके लेट से y ऑफ x1 तक, लेकिन हम हर स्टेज के ऊपर बिगेस्ट इंटरवल चूज करते हैं ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए, तो हम इन दोनों में से ये जो पॉइंट्स होते हैं ना 1.570745 और 1.570845, इनमें से जो बड़ा पॉइंट होता है ना उसको ले लेते हैं, तो और अगर हम इससे इंटरवल को स्टार्ट करते हैं स्मॉलर पॉइंट ले लेते हैं, जितना बड़ा से बड़ा हर स्टेज के ऊपर इंटरवल बनता है ना हमने हाफ में डिवाइड करना है, लेकिन इन दोनों में से बिगर पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे पास इंटरवल जो है वो जितना इसमें बिगर पॉसिबल है, ताकि मेरे पास जो मैक्सिमम है वो उस इंटरवल से बाहर ना चला जाइए, उस इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर ना हो। ठीक है, अब मैंने क्या वैल्यू ले लिया, जीरो से मैंने इंटरवल ले लिया 1.570845, तो इन दोनों के दरमियान में अब मैक्सिमम लाई करेगा, ये जो पॉइंट है -0.00 ये नेगेटिव है, इसके बाद जो है वो फंक्शन का मैक्सिमम नहीं होगा, ये नेगेटिव में वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो अब इस इंटरवल में अगर फंक्शन का मैक्सिमम लाए करता है तो अब इस इंटरवल में से आप मैंने मजीद दो सर्च पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देख लें कि हमने एक स्टेप किया और हमने अपने इंटरवल को हाफ कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया अपने इंटरवल को, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हमने अपने इंटरवल को हाफ में डिवाइड कर दिया इस स्टेज के ऊपर, तो हम डाइकोटमस सर्च में यही कर रहे होते हैं कि अपने इंटरवल को हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं और उसके मिड पॉइंट्स के ऊपर फिर जाके दो सर्च पॉइंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली किसी भी सर्च मेथड्स में आपने सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं, सर्च पॉइंट्स बनाने हैं, सर्च पॉइंट्स जो चूज करने हैं वो आप बेहतर करते हैं जो इनिशियल सर्च पॉइंट्स हैं, और हर स्टेज के ऊपर हर स्टेप के ऊपर जो आप सर्च पॉइंट्स चूज कर रहे होते हैं वो आपने बेहतर से बेहतर चूज करने हैं, और ऐसे बेहतर से बेहतर जो आपको एंड रिजल्ट के ऊपर सबसे क्विक पॉसिबल टाइम में ले जाए, तो ऐसे आपने सर्च पॉइंट्स यूजली ढूंढने होते हैं। तो ये बेसिकली सर्च स्ट्रेटेजी होती है कि डाइकोटमस सर्च और जो भी जितने भी हम मेथड्स पढ़ेंगे ये प्री डिफाइंड है, ये x1 और x2 की वैल्यूज ये मैंने खुद से नहीं लिखी, ये पहले से एल्गोरिदम बना हुआ है कि इस तरह ही हम करेंगे, तो इस तरह जब हम करते हैं तो हमारे पास सर्च काफी एफिशिएंट हो जाती है, ये वेल नोन है, इसका बिहाइंड मैथमेटिक्स की चीजें चल रही हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स इतना इस डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमारे पास कौन से मेथड्स हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइकोटमस सर्च है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसका एक इंटरवल होगा, हर स्टेज के ऊपर आपने इंटरवल में दो सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं और वो दो सर्च पॉइंट्स आपके इंटरवल को हाफ में डिवाइड कर देंगे, और वो एक हाफ में आपका इंटरवल का ऑप्टिमा लाई करेगा, दूसरे में लाई नहीं करेगा। अब ये एक स्टेप है इसका, हमने 14 पॉइंट सर्च करनी है, इसकी दो पॉइंट्स हुए हैं अभी। ठीक है ना, वन स्टेप है, टू पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हुए हैं, तो अगर 14 पॉइंट सर्च करनी है तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो सेकंड स्टेप इसका करूं, तो अब मैक्सिमा मैंने अभी आपको बताया कि इस इंटरवल में लाई कर रहा ना, जीरो
इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1.570845। ठीक है, यूनिमॉडल फंक्शन है, याद रखिएगा, एक ही मैक्सिमा इसका, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टू सर्च पॉइंट्स एग्जैक्टली उसी तरह करने हैं। क्या करना है, इस इंटरवल के मिड में जाना है। मिड में कैसे जाएंगे, 1.570845 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा ना, तो ये मैंने प्लस 0 करेंगे तो यही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और अब मैंने आपको कहा कि आप मिड में पहुंच जाएंगे और उसके अराउंड आपने दो सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं, इस इंटरवल के मिडल के अराउंड। तो उसमें से एप्सिलॉन आपने माइनस कर दिया और एप्सिलॉन इसमें प्लस कर दिया, तो आपको मिड पॉइंट के अराउंड दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहां से आ जाएगा, एक सर्च पॉइंट ये आ जाएगा, दूसरा सर्च पॉइंट ये। अब इसको आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे तो x3 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.785373। ठीक है, एक मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि आप भी उतनी देर में एक कैलकुलेट कर लें, मैंने तो कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो मुझे तो इतना इश्यू नहीं है। 1.570845 माइनस 0.0001। ठीक है, ये हो जाएगा, डिवाइड इसको करना है मैंने 2 से, तो मेरे पास आ रहा है 0.785373, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे 1.570845 प्लस 0.0001, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.785473। अब ये जो इंटरवल था 0 से 1.570845, इसके अंदर मैंने दो मजीद सर्च पॉइंट्स ढूंढ लिए, ये दोनों सर्च पॉइंट्स मैंने लेने, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की तो आपके पास x3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आएगी 0.555356 और x4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आएगी 0.555371। ठीक है, अब आप फिर देखें, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये जो x3 की वैल्यू है x4 से स्मॉलर है ना, तो x4 की तरफ इसका मैक्सिमम लाइक कर रहा है, x3 की तरफ नहीं है इसका मैक्सिमम। ठीक है, ये मतलब है ना, जिस तरफ वैल्यूज बड़ी हैं उसी तरफ मैक्सिमम होगा ना, जिस तरफ वैल्यूज छोटी हैं उस तरफ तो मैक्सिमम नहीं होगा ना। तो हमने फिर अब इसका मतलब है x4 की तरफ वाला जो इंटरवल है उसके अंदर मैक्सिमम है। तो मेरे पास ओरिजिनल इंटरवल था ये 0 है और ये लेट्स से 1.570845 है। ठीक, अब इसके मिडल में हम चले गए, एक पॉइंट मेरे पास था यहाँ पे, लेट्स से मैं रख लेता हूँ 0.785373 और दूसरा पॉइंट है 0.785473। अब ये वाला जो पॉइंट है हमने ये देखा है कि मैक्सिमम इसकी तरफ लाई कर रहा है, इस तरफ मैक्सिमम नहीं है। तो हम अगर ये वाला इंटरवल ले लें तो इसमें पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम लाई करने की, या इन दोनों के दरमियान में भी मैक्सिमम हो सकता है ना। तो ये मतलब कंफर्म नहीं है कि इस तरफ ही है, लेकिन है इस पॉइंट के इस तरफ नहीं है, इसकी तरफ वैल्यूज छोटी हैं दूसरी तरफ वैल्यूज बड़ी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्टेज पे अब ये इंटरवल ले लेते हैं जिसके अंदर फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो हम मैं क्या करता हूँ, 0.785373 से 1.570845 तक इंटरवल ले लेता हूँ और इसमें अब मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये देख लें कि हम हर स्टेज के ऊपर दो सर्च पॉइंट्स निकाल रहे हैं और उन दो सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, और हमारा इंटरवल डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। हर स्टेज के ऊपर हमारा जो इंटरवल होगा, जो सर्च इंटरवल है जिसके अंदर मैक्सिमम आएगा, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट के अंदर मैक्सिमम होता है, दूसरे पार्ट के अंदर मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डाइकोटमस सर्च है, डिवाइडिंग इन हाफ, डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, ये सर्च है, टू पॉइंट सर्च भी इसको लोग कहते हैं। तो टू पॉइंट सर्च में हम कर रहे हैं, टू हर स्टेज के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, जो दो सर्च पॉइंट्स आएंगे उन दो पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरवल फर्दर रिड्यूस हो गया। अब मेरे पास पहले जो शुरू में इंटरवल था उसका ऑलमोस्ट 1/4 रह गया इंटरवल, स्टार्ट में जो इंटरवल था उसका ऑलमोस्ट 1/4 रह गया। ठीक है, जो शुरू में इंटरवल था उसको मैंने फिर हाफ किया, फिर अब वो उस हाफ को मैंने हाफ किया तो तकरीबन 1/4 मेरे पास रह गया।
तो इंटरवल का साइज मैं कम कर रहा हूँ, सेक्शन कर रहा हूँ, इंटरवल के सेक्शन स्मॉल बना रहा हूँ, इंटरवल का साइज कम होता जा रहा है जिसमें मेरा मैक्सिमम लाई करता है। ठीक है, एक स्टेप मैं और करता हूँ, इस स्टेप पे मैं दो सर्च पॉइंट्स मजीद फाइंड करने हैं। इंटरवल आपको पता है क्या है, इंटरवल क्या था मेरे पास, इंटरवल है 0.785373 से 1.570845। ठीक है, ये इंटरवल है, इंटरवल के मिड में जाना है, मिडल पॉइंट में, इन दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड करें, इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, टू पे डिवाइड करें, मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट के अराउंड टू आपको सर्च पॉइंट चाहिए, एप्सिलॉन इसमें से माइनस कर दें और एप्सिलॉन इसमें प्लस कर दें, तो आपके पास दो मजीद सर्च पॉइंट मिल जाएंगे, एक सर्च पॉइंट एक्स फाइव है और दूसरा सर्च पॉइंट आपके पास एक्स फोर है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके सर्च पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, अब इन दो सर्च पॉइंट्स को भी आपने एज इट इज देखना ना, ये सॉरी एक्स फाइव और एक्स सिक्स है, ये एक्स सिक्स है, ये दोनों सर्च पॉइंट्स आपने देखने हैं। अब आप इन दो सर्च पॉइंट्स के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, वाई ऑफ एक्स फाइव ये आ जाएगा और वाई ऑफ एक्स सिक्स ये आ जाएगा। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोटिस करेंगे कि ये देखें, ये अब फंक्शन की वैल्यू 0.45 आ गई है, और पहले मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था तो फंक्शन की वैल्यू आ गई थी 0.555। तो ये तो बड़ी है ना, अब वैल्यू स्मॉल होती जा रही है, आप ये कहेंगे कि हम मैक्सिमम से दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम मैक्सिमम से दूर नहीं जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये बहुत रैंडम सर्च है ना, ऐसा नहीं है कि हम मैक्सिमम के बहुत क्लोज पहले ही पहुंच गए हैं तो अब मैक्सिमम हमें मिल जाना चाहिए फौरन, ये रैंडम सर्च है, वैल्यूज फ्लक्चुएट करती रहेंगी, लेकिन सर्टन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आप जब मैक्सिमम के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे तो फिर वैल्यूज फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पिछले स्टेप में वैल्यू ज्यादा आ रही थी अब कम होगी, बहुत कम फ्लक्चुएशन होगी, बहुत क्लोज आप वसिनिटी में रहेंगे वैल्यूज की। तो ये इसमें परेशान नहीं की कोई बात नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू कम हो गई है, फंक्शन की वैल्यू कम हो या ज्यादा हो इससे हमें कंसर्न नहीं है, हमने जस्ट फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और अपने इंटरवल को डिवाइड करना है, और इन द एंड हमें ये आप ट्रस्ट रखें कि इन द एंड हमें मैक्सिमम की काफी क्लोज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो डाइकोटमस सर्च हम कर रहे हैं, अब हमने ये दो पॉइंट्स लिए, इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यू आ गई। अब दोबारा से आप देख लें, इंटरवल मेरा क्या था, इंटरवल मेरा ये पड़ा हुआ इंटरवल 0.785373, ये वाली वैल्यू आ गई और यहाँ पे 1.57 है। ठीक है, अब मुझे ये पता चला ये जो x5 पॉइंट था ये मेरे पास यहाँ पे x5 जो है वो बिगर है, ओके सॉरी x5 जो है वो पॉइंट था 1.178059 और यहाँ पे 178 और यहाँ पे दूसरा है x6 1.178159। ठीक है, अब ये मुझे पता चला है कि x5 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बिगर है x6 से, तो ये जो फंक्शन का मैक्सिमम है ना वो इस तरफ को लाई कर रहा है, इस तरफ नहीं है मैक्सिमम, इस तरफ स्मॉलर वैल्यूज आ रही हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ और मेरा जो अब मैक्सिमम होगा वो 0.78 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक 1.178159 तक मेरा इंटरवल आएगा। ठीक है, तो मैंने इंटरवल को मजीद हाफ में डिवाइड, रफली हाफ है, तो अब ये जो इंटरवल है ये ओरिजिनल का 1/8 साइज रह गया इसका। ठीक है, हर पार्ट में तकरीबन हाफ में डिवाइड हो रहा है, अब 1/8 में मैं पहुंच गया हूँ जो ओरिजिनल साइज था इंटरवल का। अब यहां से अब मैंने मजीद मेरे पास 6 पॉइंट्स हुए, 8 पॉइंट्स अभी मैंने और लेने, जब मैं इनको करूंगा तो मेरे पास ये टेबल आएगा, ये हर स्टेज के ऊपर इंटरवल के पॉइंट्स हैं ए बी, और मेरे पास सर्च पॉइंट्स, पहला सर्च पॉइंट, दूसरा सर्च पॉइंट क्या आएगा, उनके ऊपर वाई की वैल्यूज क्या आएंगी, ये सब मैंने लिखा है, ये स्टेप मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, ये वाला स्टेप कैलकुलेट करके दिखाया, ये वाला स्टेप कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद इंटरवल भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया कि ये वाला इंटरवल आएगा। ठीक है, तो इंटरवल क्या आया था, 0.785373 और यहां से इंटरवल था 1.178159, ये इंटरवल आया था मेरे पास कैलकुलेशन के बाद। एक स्टेप मैं आपके साथ कर देता हूं, फिर ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाएगी, आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर इसको
दोबारा से इसकी एक और एग्जांपल करेंगे, इस मेथड की थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह एक और मेथड करेंगे इसका। एक मैं आपके साथ स्टेप कर देता हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियर हो जाए हम क्या कर रहे हैं। ये इंटरवल है, इसमें सर्च पॉइंट फाइंड करना है। एक्स सिक्स तक मैंने ले लिए थे, मैं कहता हूँ एक्स एस वन लेना है इस इंटरवल में, तो एक्स एक्स वन कह दें, एक्स सेवन मैं कह देता हूँ। ये एक्स सेवन जो है इस केस में अब ये वाला होगा, ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। एक्स सेवन क्या है, इस इंटरवल के मिड पॉइंट पे जाना है। मिड पॉइंट पे कैसे जाते हैं, 1.178159 प्लस 0.785373, ये मिड पॉइंट पे आप पहुंच गए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये मिड पॉइंट पे पहुंच गए। अब आप मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लेकिन मिड पॉइंट के अराउंड 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 2 सर्च पॉइंट चाहिए हर स्टेज के ऊपर। तो इसमें से मैं एप्सिलॉन माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरह इसमें फिर मैं एप्सिलॉन प्लस करूंगा एक्स एट के लिए, ठीक है। एक्स एट के लिए 1/2 यही एक्सप्रेशन प्लस 0.0001, इसको कैलकुलेट करते हैं, आप भी करें कैलकुलेट, मैं भी करता हूँ। तो ये आ जाएगा 1.178159 प्लस 0.785373, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस इसमें से कर देता हूँ 0.0001, ये मेरे पास आ जाएगा 1.963432 आ रहा है मेरे पास। इसको डिवाइड करूंगा 2 पे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.0.981716, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स सेवन की। एक्स एट कैलकुलेट करें, एक्स एट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.963632, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.981816, ठीक है, 0.981816, ये मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स सेवन और एक्स एट की। अब इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। आप वाई इस एक्स सेवन पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो वाई एक्स सेवन पे आएगा 0.981716 इंटू कॉज ऑफ 0.981716, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, 0.981716 और cos of 0.981716, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.545438, ये देखें 0.545436, ठीक है। एक आध डिजिट का अगर आपके पास फर्क आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे y ऑफ x8, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.545414, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई फंक्शन की। अब इसी फंक्शन को आप अब थोड़ा सा केयरफुली देख लें, y ऑफ s1 बिगर है या y ऑफ s2 बिगर है। 545436 बिगर है 545414 से, ये वाली वैल्यू बिगर है। अब देखें वैल्यूज का फर्क बहुत कम हो गया है, अब आप थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे ना, इस वैल्यूज का फर्क और भी कम होता जाएगा। अब वैल्यूज का फर्क कम हो गया, ये वाली बिगर है, तो इसका मतलब है इस साइड पे जो है ना, इस साइड के ऊपर फंक्शन का जो है वो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, इस साइड के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा नहीं है। तो ये वाली वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आई थी, ये आई थी 0.981716 पे, ये वैल्यू आई थी ना, तो इनिशियल पॉइंट वही रहेगा 0.785373। यहां से लेके इस पॉइंट तक आपका फंक्शन का जो है हमने बिगर पॉसिबल पॉइंट लेना, तो ये यहां तक आखिरी पॉइंट लेते हैं हमेशा, तो बिगेस्ट पॉसिबल इंटरवल हर स्टेज के ऊपर। तो यहां से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अब आपके इंटरवल का साइज रिड्यूस होकर 1/16 तक पहुंच गया, ठीक है। तो इसका हर स्टेज के ऊपर फंक्शन का जो साइज है इंटरवल का वो कम होता जा रहा है,
और हमारे पास इन द एंड जो फंक्शन का इंटरवल साइज है वो हर हर स्टेप साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो 1/2 to the power n हो रहा है रफली, जितने आपके स्टेप्स हैं, ठीक है? ओके, अब ये मेरे पास ये वाला स्टेप हमने कर लिया, इसको आप करें, इसको करें, इन दोनों स्टेप्स को वेरीफाई करें। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आप ये देख लें, 1 2 3 4 5 6, ये 7 स्टेप्स हैं। और टोटल सर्च पॉइंट्स कितने हो गए? 7 ये सर्च पॉइंट्स है, 7 ये, टोटल 14 पॉइंट सर्च हो गई है। टोटल 14 पॉइंट सर्च होगी ना, आपने 7 पॉइंट्स लिए, हर 7 सर्च पॉइंट्स लिए, मतलब टोटल आप 7 स्टेप्स हैं, हर पॉइंट हर स्टेप के ऊपर 2 सर्च पॉइंट्स हैं, तो टोटल 14 पॉइंट सर्च हो गई, ठीक है? अब आपने इन 14 पॉइंट्स की सर्च की, अब आप तो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढ रहे थे। फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपको, आप ये देखें इन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस आप चेक करें, 0.561096 और 0.561095, 0.000001 का डिफरेंस है दोनों के। एक स्टेप आप और करेंगे तो 6 डिजिट्स तक इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आप मैक्सिमम के बहुत क्लोज पहुंच गए। तो हमारा क्लेम ये है कि फंक्शन का मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू ना, ये इससे कम है, तो मैक्सिमम जो है वो है, मैक्सिमम वैल्यू है 0.561096, और वो पॉइंट जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पॉइंट है, एक्स है 0.859001, ठीक है? ये फंक्शन की मैक्सिमम पॉइंट है और ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसको वापस ग्राफ में लेके जाएं, अगर ग्राफ में आप लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा, ये फंक्शन का ग्राफ है ना, इसको आप देखें, ये फंक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम। यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा था, ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहा था, ये देखें ये 0 और 1 के दरमियान है, 0.5 के अराउंड अबाउट है, और यहाँ पे 0.8 और 0.9 के दरमियान। तो ये देख लें आप, 0.08 और 0.9 के दरमियान एक्स है और वैल्यू 0.5 और 1 के दरमियान है, ठीक है? तो ये हमने जो वैल्यू फाइंड किया है, पॉइंट जो है वो क्या है, 0.8 और 0.9 के दरमियान है, और जो वैल्यू हमने उसकी फाइंड किया है वो 0.5 और 1 के दरमियान। तो हमने फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो काफ़ी क्लोज फाइंड कर लिया। अब ये फंक्शन जो है, ये 1 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको अगर हम डायरेक्ट इसका मैक्सिमा फाइंड करना चाहें तो उसको अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ और इससे उसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क है। और हमने यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट किया, कोई हमने स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं कैलकुलेट किए, जस्ट फंक्शन की हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इसको अगर मैं लेट से इसी फंक्शन की बात करूं, इसके स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, वो हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ओके, सो डायरेक्ट मेथड से अगर मैं मैक्सिमम या मिनिमा इसका मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहा हूं, तो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है ना, और 0 से π के दरम्यान मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव चाहिए ना, फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस एक्स प्लस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, तो ये बेसिकली हो जाएगा कॉस एक्स -x sin x, ठीक है? ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है कॉस एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन एक्स, ठीक है? अब आपने वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए कॉस एक्स जो है किसके इक्वल हो, एक्स साइन एक्स के इक्वल हो। तो अब यहाँ पे कुछ जाहिर है डायरेक्टली वैल्यूज फिर हमें मुश्किल हो जाएगा फाइंड करना, लेकिन अगर जो वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है अभी अभी, उसके लिए अगर मैं इसको वेरीफाई करूँ तो क्या ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, रफली चेक करके देखते हैं। मैंने अभी वैल्यू फाइंड की है कि एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0.859001, ठीक है? एक्स की वैल्यू है 0.859001। इसके लिए मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ ये कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स में कितना फ़र्क है, ठीक है? अगर मैं ये चेक करूँ तो 0.859001 और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ इंटू साइन ऑफ 0.859001, 0.859001,
तो इससे मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो है, ये लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ वैल्यू आ रही है 0.6504 04273, ठीक है। और कॉज इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फाइंड करूँ कॉज ऑफ 0.85901, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये आप इसको देखिएगा प्लीज़, ये कॉज की वैल्यू इसके ऊपर आ रही है 0.6531 9422। देखें इन दोनों वैल्यूज़ में ये रफली इक्वल नहीं है, 0.65 सब में कॉमन है और इसके बाद डिजिट्स का थोड़ा फ़र्क है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसका मतलब है ये एक्स जो मैंने लिया हुआ ना, ये एटलीस्ट टू डिजिट्स तक, पॉइंट्स के बाद टू डिजिट्स तक इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैंने जो मेथड वहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे डेरिवेटिव और फिर यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है इसको सॉल्व नहीं हो रही मेरे से, एक्सप्लिसिटली मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, अप टू टू डिजिट्स तो इसका ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर मैं उसका एक स्टेप और कर लूँ, एक स्टेप अगर मैं उसका और करता 14 पॉइंट्स की बजाय 16 पॉइंट सर्च करता, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने फाइंड किया था ये और क्लोज हो जाता, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट जब मैं इसको मज़ीद क्लोज करूँगा तो अब मेरे पास मैक्सिमा जो है फंक्शन का वो बेहतर से बेहतर आएगा। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जल्दी से अगर एक स्टेप और इसका करूँ तो आपको मैं जस्ट अपना क्लेम वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्टेप्स ज़्यादा करूँगा तो मेरे पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का ये बेहतर मेरे पास आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, ये मेरे पास इंटरवल है ना, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू बिगर है इससे ना, ये वाली वैल्यू बिगर है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मेरा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट होना चाहिए, 0.84834458, 0. जो इंटरवल है वो है 0.834458, और किस पॉइंट तक इसका मैक्सिमा है, इसको फिर बिगेस्ट इंटरवल लेना ना, तो यहाँ तक इसका मैक्सिमा 0.859101, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से पॉइंट निकालने, कौन सा पॉइंट निकालूंगा, सबसे पहले एक्स एस वन अगर कहना चाहें इसको, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है 0.834458 प्लस 0.859101, ये हो जाएगा मेरे पास। इन दोनों को ऐड किया और प्लस इसमें आप करेंगे ना, पहले माइनस करेंगे 0.0001, ठीक है, और इसको इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें और इसको डिवाइड करना आपने 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये है 0.8467295, ठीक है। और एक्स एस टू अगर मैं फाइंड करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास होगा बेसिकली 0.834458 प्लस 0.859101 प्लस 0.0001, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे आप 2 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8468295, ठीक है। तो ये ज़रा सा फ़र्क है इसमें, लेकिन आप इसमें आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो वो आपके पास आ जाएगी। वाई ऑफ एस वन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई ऑफ एस वन आ जाएगा 0.8468295। पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, ये y ऑफ s2 मेरे पास आ रहा है, x s2 मेरे पास आ रहा है 0.56090, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरे पास, इसके ऊपर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 0.8467295 इंटू कॉज ऑफ
8467295, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी 0.56090, ठीक है, दोनों के लिए वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है। 090 को छोड़ डिजिट लिखूंगा तो ये हो जाएगा 46741, ठीक है, ये डिजिट्स आ गए। इसकी वैल्यू अगर मैं सॉरी दोबारा से अगर देखूं पॉइंट में सारे डिजिट्स लिखना चाह रहा हूँ 8468295 कॉज ऑफ पॉइंट 8468295 तो ये आ रही है 0.56090747775, ठीक है। यहाँ पे 46 है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बिगर है ना, वाई ऑफ एस टू ये वाली, ये इसका मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पॉइंट क्या है 0.8468, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट। इसके ऊपर अगर मैं ये क्रिटिकल पॉइंट देखूँ, ये कैसा क्रिटिकल पॉइंट है, तो अब ये इसको देखिएगा थोड़ा केयरफुली, 0.8468295 इंटू साइन ऑफ 0.8468295 ये आ रहा है। इसके लिए ये वैल्यू आ रही है एक्स साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 0.63443124443, और कॉज की वैल्यू देखते हैं इसके लिए क्या आती है, कॉज ऑफ 0.8468295 तो ये मेरे पास आ रही है, ये भी इसके बहुत क्लोज आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा सिर्फ ये है जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ और जो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज अब मैं फंक्शन की फाइंड कर रहा हूँ ये मुझे मैक्सिमा दे रही है, और एक्चुअल फंक्शन का ये मैक्सिमा है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं फंक्शन के, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन अब मुझे डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव को जीरो करने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और फिर मुझे उनको चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है कौन सा मिनिमम पॉइंट है। होपफुली आप कन्विंस हो गए होंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको आपको एक्चुअल मैक्सिमा देते हैं, एक्चुअल मिनिमा देते हैं। तो फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना बहुत आसान है, स्ट्रेटजी सिंपल है हमारे पास, इतना मुश्किल कोई इसमें पोर्शन नहीं था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा डाइकोटमस सर्च में हम क्या करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एग्जाम्पल एक और करवाऊंगा, इसकी एक एग्जाम्पल करवाने के साथ इस मेथड को थोड़ा सा मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा भी कर क्या रहा है, और फिर इंशाल्लाह हम फिबोनाची सर्च मेथड भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो थोड़ी सी समरी और फिर इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल सर्च की बात की है, उसमें हमने ब्रैकेटिंग टेक्निक और फिर सेक्शनिंग की बात की है। ब्रैकेटिंग ये कि आपने फंक्शन का जो मैक्सिमा मिनिमा है उसको ब्रैकेट करना है, उसको बताने के ये इस इंटरवल में लाए करता है, फिर हम सेक्शनिंग से उसको इंटरवल को स्मॉलर एंड स्मॉलर करते हैं। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को सर्च मेथड से मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करें वो यूनिमॉडल फंक्शन हो। यूनिमॉडल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका उस इंटरवल के अंदर एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, एक से ज्यादा मैक्सिमा एक से ज्यादा मिनिमा उस इंटरवल के अंदर फंक्शन का लाए ना करता हो, तो हम उसको कहते हैं ये फंक्शन यूनिमॉडल है, ठीक है। तो हम यूनिमॉडल फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं किससे, इन मेथड से, सर्च मेथड से, ठीक है। सर्च मेथड्स की फिर हमने बात करना शुरू की, उसमें हमने डाइकोटमस सर्च की सबसे पहले बात की, एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया, एग्जाम्पल अगर हमें समझ आ जाएगी तो जनरल मेथड भी हमें उसी एग्जाम्पल में नजर आ रहा है क्या करना है। हमने क्या करना है, हमने पहले से बताना है कि कितने पॉइंट्स की सर्च करनी है आपने, हर पॉइंट हर स्टेज के ऊपर हर स्टेप के ऊपर आप टू पॉइंट्स लेंगे, टू सर्च पॉइंट्स लेंगे हर पॉइंट हर स्टेप के ऊपर, और वो दो सर्च पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं वो डाइकोटमस सर्च आपको बताती है। जो भी इंटरवल है उसको मिड पॉइंट लेना है, उस मिड पॉइंट के अराउंड आपने दो सर्च पॉइंट्स लेने हैं जैसे हमने आज एग्जाम्पल में किया, उन दोनों सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, जो जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमा मिल रहा है वो भी आप नोट कर लें, जो आपके पास मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो भी आप नोट कर लें। तो जिस तरफ फंक्शन की वैल्यू बिगर होगी उस तरफ वाला आप इंटरवल ले लेंगे, ठीक है, जिस तरफ फंक्शन की वैल्यू बिगर है उस तरफ वाला इंटरवल ले लेंगे, क्योंकि उस तरफ फंक्शन की वैल्यूज बिगर हैं तो उसी तरफ मैक्सिमा आएगा, जिस तरफ फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर है उस तरफ मिनिमा उस तरफ फंक्शन की मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप हर स्टेज के ऊपर फंक्शन के इंटरवल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं
और इन द एंड आपका इंटरवल जो है हर स्टेज के ऊपर हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो जब आप इंटरवल के साइज को मिनिमम करते रहते हैं तो आपका मिनिमा बहुत स्मॉल इंटरवल में सैंडविच हो जाता है। तो इस तरह आपके पास मिनिमा या मैक्सिमा जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वो आपको मिल जाता है जस्ट फंक्शन की वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हुए और मिनिमा और मैक्सिमा को ढूंढते हैं हम। ठीक है, तो हमने बेसिकली हर मेथड, नया मेथड जो भी करते हैं उसके ऊपर हमने सर्च पॉइंट्स जो हैं उसको ऑप्टिमली चूज करना है। कैसे बेस्ट चूज करें सर्च पॉइंट्स को कि हम अपने मैक्सिमा पे जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एम है, यही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी एक और एग्जांपल करेंगे और इसकी मजीद थोड़ी डिटेल डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह फिबोनाची सर्च मेथड डिस्कस करेंगे। होपफुली चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा टेकअप करेंगे। आप अपने जो लेक्चरर्स हैं उनसे पूछें और आपके नोट्स स्टडी करें तो इंशाल्लाह चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।